जो आखिरी काम यीशु ने अपने चेलों को करने के लिए कहा वो ये था, हर जगह जाओ और हर एक को सिखाओ वे सब बातें मानना जो मैं तुम्हें करने की आज्ञा दी है। लेकिन कैसे ये संभव था कि यीशु के 11 अनपढ़ चेले पूरी दुनिया में जाते और अलग अलग संस्कृति और भाषा के लोगों को चेला बनाते? उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई शक्ति नहीं थी, कोई संस्था नहीं थी और ना ही कोई अगुआ था। और हालात और कठिन हो गए जब वे अपने समाज से और अपने धर्म से निकाले गए। चेलों के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह एक बड़ा बदलाव ले आए। लेकिन जो उनके पास था वह था यीशु के साथ जीवन बदल देने वाला अनुभव, आज्ञा मानने की चाहत, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और हाँ बहुत सारी जान पहचान, जिसे आज हम कहते हैं सामाजिक नेटवर्क। उन्होंने सब काम प्रार्थना के साथ आरंभ किया और फिर उन्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ मिला। और पेंटिकोस्ट के बाद जो लोग यरूशलेम में दूर दूर से यात्रा पर आए थे, जब घर वापस गए तो अपने मित्रों और रिश्तेदारों में परमेश्वर के कार्य के बारे में बताने लगे। और जब उन्होंने अपना अनुभव दूसरों के साथ बांटा तो सुसमाचार जंगल की आग की तरह दूर दूर तक फैल गया। पेंटिकोस्ट के बाद सामाजिक नेटवर्क के द्वारा सुसमाचार फैलता गया। ये करीब 2000 साल पहले हुआ, लेकिन आज हम कैसे कर रहे हैं? अच्छी खबर यह है कि मसीह लोग गिनती में बढ़ रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा अच्छी खबर नहीं है वो ये है कि मसीह लोगों की प्रतिशत नहीं बढ़ रही। तो समस्या क्या है और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? बड़ी समस्या यह है कि हर वो जो यीशु पर विश्वास करता है उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलता। पहली शताब्दी में आत्मिक बेदारी का कारण थे चेले, जिन्होंने चेले बनाए और उन्होंने और चेले बनाए। यीशु के चेलों का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि वो और चेले बनाए। उनकी गिनती दर्जनों से सैकड़ों, सैकड़ों से हजारों और ज्यादा समय नहीं बीता कि लाखों करोड़ों में बढ़ गई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि साधारण लोगों ने जो यीशु ने उनको करने के लिए कहा था किया और दूसरों को भी ऐसे करना सिखाया। हम समझते हैं ये ऐसा तरीका है जिस पर चलने का समय एक बार फिर से आ गया है। इसे कहते हैं डिसाइपल्स मेकिंग मूवमेंट, यानी DMM। ये एक ऐसी मूवमेंट है जो बहुत तेजी से बढ़ सकती है। सो आप इस कार्य को कैसे शुरू कर सकते हैं? ये बहुत आसान है। इंजन है जिसे हम कहते हैं आविष्कार बाइबल स्टडी, और ये ऐसे कार्य करता है। जैसे परमेश्वर एक समाज में एक अगुवे को खड़ा करते हैं, तो चेले बनाने वाला कोच उसकी सहायता करता है उसके परिवार और मित्रों में से, और जो समूह होता है वो परमेश्वर के वचन से सीखना शुरू कर देता है। वे सीखते हैं बाइबल क्या कहती है, इसका अर्थ क्या है और उन्हें इस बारे में क्या करना है, और आखिरकार वे और किसको बता सकते हैं कि एक और समूह शुरू हो सके। व्यक्तिगत खोज, तत्काल आज्ञाकारिता और सिलसिलेवार दोहराना नए कार्य की शुरुआत का कारण है। हर एक व्यक्ति का अनोखा प्रभाव का दायरा होता है, लेकिन हर एक का दायरा एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। मायने नहीं रखता लोग किस समाज के या किस देश के होते हैं, लेकिन लोग वो बातें बांटते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण होती है। आमतौर से जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, हम पुराना छोड़ देना चाहते हैं और नए को थाम लेना चाहते हैं। अगर हम एक बार फिर से सोचें महान आज्ञा की शुरुआत कैसे हुई, तो हमें वापस जाकर देखना होगा कि शुरुआत में ये कैसे किया गया। यीशु के शुरुआती चेलों ने दुनिया को हिला के रख दिया आज्ञा मानने के कारण और सामाजिक नेटवर्क कार्य के। आज भी हम ऐसा होते हुए देख रहे हैं। मार्च 2005 से लेकर सिटी टीम इंटरनेशनल के द्वारा ये दर्ज किया गया है कि DMM प्रोग्राम्स के द्वारा 10 लाख से ज्यादा चेले परमेश्वर के सिंहासन के सामने तैयार किए गए हैं। ये बहुत सारे चेले हैं। इनमें से 4 लाख से ज्यादा मुस्लिम हैं जो यीशु से प्रेम करना शुरू हो गए, और हम विश्वास करते हैं डिसाइपल मेकिंग मूवमेंट के द्वारा इसी प्रकार से परमेश्वर अपनी सामर्थ को जाहिर करना चाहते हैं। जैसा शुरुआत में था वैसा ही अंत में होगा। चेले चेलों को तैयार करें और वो और चेलों को तैयार करें, इस प्रकार से हम महान आज्ञा को पूरा होते हुए देखेंगे। डिसाइपल मेकिंग मूवमेंट एक योजना जिसका समय आ गया है दोबारा।